हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने क्रॉसवर्ड पजल्स के बारे में डिस्कस किया, कुछ सॉल्व किया। इस पार्ट टू में भी आपका वेलकम्स है, आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में भी हम एक्सरसाइज क्रॉसवर्ड पजल से संबंधित सॉल्व करेंगे। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स बाय यूजिंग गिवन क्लूज। नीचे दे रखे हैं, फर्स्ट लाइन हमारी है, विच मेक्स यू स्माइल और लाफ, जो आपको हंसाता है और मुस्कान लाता है, तो वो है हमारा फनी। एफ दे रखा है, यू डबल एन वाई, इसके अंदर फिल अप कर देंगे क्रॉस के अंदर। दूसरा पॉइंट हमारा है, द पर्सन हु सॉज ट्रिक इन सर्कस, वह व्यक्ति जो सर्कस के अंदर जो है दिखाता है, खेल दिखाता है, और वो होता है हमारा इसमें जी दो खाली है, जी दे रखा है, फिर तीन खाली आर है, तो वो होता है हमारा जगलर, JUGGLER। इसमें हम जो है फिलअप कर देंगे। तीसरा है बच्चों, स्टूपिड और स्ट्रेंज। स्टूपिड यानी मूर्ख, स्ट्रेंज अद्भुत, वो हमारा इसमें हम भरेंगे, सी दे रखा है और आखिर में वाई है, तीन खाली है, क्रेजी, CRAZY, क्रेजी, इसमें अंदर हम फिलअप कर देंगे, क्रेजी यानी पागल की तरह संज्ञा, इसमें पागल है। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल सुंदर होता है, अपोजिट सुंदर का अपोजिट भद्दा होता है, अगली, यानी UGLY, यू भरेंगे, जी दे रखा है, एल भरेंगे और वाई दे रखा है, अगली, अगली मतलब भद्दा, ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली। और नेक्स्ट हमारा है नंबर 5, हमारा है मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस, यानी पृथ्वी की अपनी धुरी के ऊपर जो मोमेंट होती है, घूमती है, इसको हम रोटेशन बोलेंगे, इसको हम रोटेशन बोलेंगे। 5 नंबर में ऊपर देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, आर दे रखा है ऊपर, ROTA, फिर टी दे रखा है, ION, इसके अंदर हम भर देंगे, एंड लास्ट में देखें रोटेशन, रोटेशन होता है पृथ्वी की जो अपने अक्ष के ऊपर धुरी पर जो घूमती है, उसको हम रोटेशन बोलेंगे। नंबर 6 पॉइंट को देखेंगे, नेम ऑफ फ्लावर, नंबर 6 इसके ऊपर पहली के अंदर हम देखते हैं, टी दे रखा है और लास्ट में पी है, तो ये हमारा होगा ट्यूलिप, TULIP, इसके अंदर हम जो है फिलअप हमारा कर देंगे, एक फूल का ये नाम है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट देखें, स्केच ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का चित्र, उसको हम क्या बोलेंगे, पी ऊपर से नीचे देखेंगे, पी दो खाली है खाने, टी और फिर तीन खाली है, और फिर जो है लास्ट के अंदर जो है इसके अंदर टी दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट भर देंगे, PORTRAIT, पोर्ट्रेट इसके अंदर हम भर देंगे। लास्ट हमारा सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, हमें पता है कि वो प्रनाउन होता है, तो 8 नंबर देखेंगे साइड में, PRONOUN, ये हमारा प्रनाउन इसके अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी वर्ग पहली है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स लैडर विद द हेल्प ऑफ क्लूज, यानी एक सीढ़ी नुमा जो ये हमारी जो है बनाई गई वर्ग पहली है, इसको हमें कंप्लीट करना है। हम नीचे जो क्लूज दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे वन बाय वन, और उसके अकॉर्डिंग हम इसमें भरेंगे। नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, टीचर विल बी वेरी एंग्री इफ यू डोंट अटेंड द,
यानी आप अटेंड नहीं करोगे तो अध्यापक बड़ा जो है वो नाराज हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि सी दे रखा है और लास्ट में एस दे रखा है, दो तीन इसमें खाली है बीच में, यानी क्लास को हम अटेंड नहीं करेंगे तो अध्यापक नाराज हो जाएगा। टीचर विल बी वेरी एंग्री इफ यू डोंट अटेंड द क्लास। क्लास इसमें आ जाएगा, CLASS इसमें हम भरेंगे। नंबर दो को देखते हैं, एज सून एज ही कॉट, डैश दे रखा है फिर हमें, ऑफ द टीचर मोहन स्टार्टेड राइटिंग, जो ही उन्होंने उसे जो है देखा चिल्लाते हुए टीचर को, मोहन स्टार्टेड राइटिंग एंड साउट, इसके अंदर हम भरेंगे साउट, ऊपर से नीचे हम भरेंगे SHOUT, भर रखा है HOU भरेंगे और टी इसमें लास्ट में दिया हुआ है, साउट मतलब चिल्लाना। नंबर थ्री की बात करते हैं, हाउ डू यू लाइक माई डेस्क किचन गार्डन। अब ब्रेक पहली के अंदर देखेंगे टी दे रखा है और लास्ट में वाई दे रखा है, दो बीच में खाली है, तो हम इसके में देखेंगे किस प्रकार का हमारा रसोई का गार्डन है। टाइनी टाइनी आ जाएगा इसमें, TINY टाइनी, हाउ डू यू लाइक माई टाइनी किचन गार्डन, टाइनी आ जाएगा। नंबर चार की बात करें तो नंबर चार में आएगा, माई सन इज नाउ ए डैश ओल्ड, यहाँ उसके जो है उम्र से संबंधित है, तो वाई दे रखा है और आर लास्ट में है, EAR हम भर देंगे, ईयर, यानी माई सन इज नाउ ए ईयर ओल्ड, ईयर आ जाएगा इसमें नंबर चार में, ऊपर से नीचे ईयर आ जाएगा। नंबर पांच है, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डैश एंड कॉलिंग यू। अब नंबर पांच की तरफ देखते हैं, आर दे रखा है और लास्ट में एफ है, यानी इसका हम देखेंगे तो रूफ इसके अंदर फिट बैठ बैठता है, रूफ, रूफ का मतलब छत। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ एंड कॉलिंग यू, छत पर खड़ा था और आपको पुकार रहा था, आपको बुला रहा था। नंबर छह की बात करते हैं, डोंट मेक सच ए डैश दे रखा है, नथिंग विल हैपन, इसमें भरेंगे फर्स्ट, FUSS फर्स्ट आ जाएगा इसमें, गड़बड़, डोंट मेक सच ए फर्स्ट, इस प्रकार गड़बड़ मत करना, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं घटेगा। नंबर सात की बात करते हैं, डोंट क्रॉस डैश दे रखा है, टिल द गार्डन लाइट कम्स ऑन, डोंट क्रॉस यानी उसको क्रॉस मत करना, इसमें डोंट क्रॉस स्ट्रीट, इसमें हम स्ट्रीट भरेंगे, एस दे रखा है और टी लास्ट में है, STRET, स्ट्रीट मतलब गली, डोंट क्रॉस द स्ट्रीट टिल द ग्रीन लाइट कैम्स ऑन, जब तक जो है हरी लाइट, हरी बत्ती न जल जाए तब तक जो है उसको पार न करें, सड़क को, गली को पार न करें। इस प्रकार से बच्चों हमने ये क्रॉस वार्ड से संबंधित वीडियो देखी है। पिछली वीडियो देखने के लिए, पार्ट वन के लिए आप पिछला भाग देख सकते हैं। इन वीडियो को आप बार बार देखिए, इससे आपके जो है माइंड एक्टिव होगा, आपका दिमाग तेज होगा और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और इस प्रकार से बार बार अभ्यास करने से आप जो है पूरे अभ्यस्त हो जाएंगे। और इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।